लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के संपत्ति पर ही दावा कर सकते हैं, लेकिन असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस ही हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी बात फिर से चिराग पासवान को लेकर कह दी है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी पर दावा करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पशुपति कुमार पारस जिस तरीके से हैं, वो रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। चिराग पासवान केवल उनकी संपत्ति पर ही दावा कर सकते हैं। चाचा और भतीजे के बीच 2 साल पहले ही पार्टी के उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई चरम पर थी और पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगाया है इस बार कि चिराग ने उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और 2 पार्टी बनवा दी। एक तरफ चिराग पासवान अलग पार्टी चला रहे थे, दूसरी तरफ देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस अलग अपनी पार्टी चला रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं बता दूं कि मैं खुद को बड़े साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी क्यों कहता हूं। उन्होंने कहा है कि 1969 में बिहार के अलौली से विधायक के रूप में शुरुआत की थी और 1977 में हाजीपुर से सांसद बनने पर सीट छोड़ दी थी। उन्होंने मुझे सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा और विधानसभा सीट, और मैंने उनके आदेशों का पालन किया और हालांकि मैं सरकारी नौकरी में था। बता दें कि रामविलास पासवान की लोकसभा सीट का जो है कहीं ना कहीं अब पशुपति कुमार पारस ही जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में वहां के सांसद है, हाजीपुर के सांसद है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस ने यह साफ कहा है कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और मैं बिहार में रहना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे विधानसभा भेजा और जिसके बाद मुझे सांसद बनवाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पारस ने रामविलास पासवान के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो अपनी संसदीय शुरुआत की। तो वहीं देखा जाए तो पारस ने कहा है कि बड़े साहब के आग्रह के बाद जो है मुझे दिल्ली जाना पड़ा, हालांकि मैं इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं था। उन्होंने कहा है कि मैं शुरू से ही जो है चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं था, देखा जाए तो मैंने यहां तक सुझाव दिया था कि बेटा चिराग या भाभी चिराग की मां को हाजीपुर का उम्मीदवार माना जाए, लेकिन जबरदस्ती मेरे बड़े भाई ने हाजीपुर का उम्मीदवार बनाया तो वहीं मैं वर्तमान में वहां का सांसद हूं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हूं। पारस ने यह साफ कहा है कि मैं असली उत्तराधिकारी हूं, मुझे मेरे बड़े भाई ने भेजने का काम किया, सांसद तो वहीं से सांसद बनाने का काम किया, लोकसभा भेजने का काम किया, दिल्ली भेजने का काम किया। पारस ने कहा है कि मैं बिहार में बहुत अच्छा समय बिता रहा था, नीतीश सरकार में जो है एक मंत्री के रूप में सेवा कर रहा था, तो वहीं लोजपा की राज्य इकाई का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बड़े साहब जिद पर अड़े। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से संयोग ही था कि रामविलास पासवान की जयंती के दिन उन्होंने गृह मंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बारे में पता चला। तो वहीं पारस ने कहा है कि संसद के अंदर जो है कहीं ना कहीं मुझे वही सीट आवंटित की गई है जिस पर वह केंद्रीय मंत्री रहते थे। देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चिराग जो है कहीं ना कहीं असली उत्तराधिकारी नहीं है, असली उत्तराधिकारी मैं हूं, तो वहीं असली संपत्ति के बस वो बारिश हो सकते हैं लेकिन उत्तराधिकारी मैं हूं। तो पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी बात कह दी है, असली उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का उन्होंने बताया है। उनका यह साफ कहना है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे सांसद बनाने का काम किया तो वहीं दिल्ली भेजने का काम किया, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता था, मैं नीतीश सरकार में मंत्री था और उसी में मैं खुश था, केंद्रीय मंत्री बनने की मेरी शौक नहीं थी, और जिस तरीके से पार्टी टूटी इसके मुख्य जिम्मेदार चिराग पासवान है, 2 पार्टी बनवाने का काम चिराग पासवान ने किया। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्या चाचा भतीजे की दूरियां कम होती है यह भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।